ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अगस्त मंगलवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों घर परिवार में आज कोई शुभ कार्य संपन्न होने की संभावना बन रही है। परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं तथा आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग भी प्राप्त होने की आज संभावना अच्छी बन सकती है। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके। दोस्तों साथ ही साथ आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए अपने कार्य पर पूरी तरह से आज ध्यान केंद्रित रखें। कहीं पूंजी निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा में उचित परिणाम आज हासिल होंगे। दोस्तों आज आपके सभी काम आसानी से संपन्न होने से मन में प्रसन्नता और ताजगी बनी रहेगी। अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आप को तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे। इस समय ग्रह स्थिति आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रही है। घर तथा समाज में आपको अपनी योग्यता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका आज विशेष रुझान रहेगा। इनकी वजह से आपकी सोच अधिक सकारात्मक और संतुलित रहेगी। दोस्तों साथ ही साथ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योग्यता और क्षमता पर अधिक विश्वास करें। दोस्तों आज का दिन आपके सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति आज आप समर्पित रहें। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए आज कार्य आपके पूरे होंगे, इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें। पैसे संबंधित निवेश के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों अनावश्यक किसी तरह का आज विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से घर में आज तनाव का माहौल हो सकता है। धन अचल संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न होने की भी संभावना बन सकती है। यदा कदा उतार चढ़ाव उत्पन्न होने की भी संभावना होती है तो उससे भी आज आप दूर रहने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों कभी कभी आलस की वजह से आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरवाही आपको अपने लक्ष्य से भटका देगी। किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको एक बात का विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना है कि कई बार कठोर वाणी से अक्सर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें। काम की अधिकता का भी प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें। दोस्तों ईगो और अति आत्मविश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है, इन पर आप काबू बनाकर रखें क्योंकि इस वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध आज आपके खराब हो सकते हैं। फोन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें।
साथ ही साथ किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है और घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान होने की भी आशंका है। साथ ही साथ आज खर्चों की भी अधिकता के कारण बजट भी गड़बड़ा सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। दोस्तों पति पत्नी के आपस में मधुर संबंध रहेंगे, व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को और भी खुशनुमा बनाएगा। परिवार के साथ मनोरंजन व शॉपिंग में आज समय व्यतीत होगा, इससे घर में खुशी का माहौल और अधिक रहेगा। साथ ही साथ अविवाहितों के लिए भी आज कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है जिससे उनका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनेस पार्टियों से अच्छी बातचीत चली आ रही है आज उनके बेहतर परिणाम सामने आने वाले हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धियां आज आपको प्राप्त होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई टारगेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा। व्यवसायिक स्थल पर आज आपका रुतबा बना हुआ रहेगा। कर्मचारियों का अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण भाव रहेगा, जिसकी वजह से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभावना है। साथ ही पब्लिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कोई ऑफिशियल यात्रा आज करनी पड़ सकती है। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोग आज बेहतरीन उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। दोस्तों आज आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपको किसी समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसके लिए आप अपने खानपान पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही साथ आज आप आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक नारियल लें। जहां दोस्तों उस एक नारियल पर आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद आप उस नारियल को अपनी समस्त मनोकामनाएं मांगते हुए भगवान बजरंग बली जी के चरणों में अर्पित कर दें। जहां दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं या किसी कारण से आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, वे सभी परेशानियां खत्म होंगी और आपके समस्त काम बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे और आपको ऐसा करने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।